हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे वी विल डू आवर चैप्टर नंबर नाइनटीन ऑफ ग्रामर बुक होमोफोन्स व्हाट आर होमोफोन्स होमोफोन्स क्या होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं सम वर्ड्स परनाउंस इन द सेम और ऑलमोस्ट द सेम वे हैव डिफरेंट मीनिंग्स कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रनाउंस Pr जिनको हम बोलते तो सेम तरीके से हैं लेकिन उनके मीनिंग क्या होते हैं अलग अलग होते हैं दे आर नोन एज होमोफोन्स उसको हम क्या कहते हैं होमोफोन्स कहते हैं यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल है हम इसको समझते हैं नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल इज डब्ल्यू के वीक वीक मतलब नॉट स्ट्रोंग डब्ल्यू ए के वीक वीक मतलब सेवन डेज ठीक है ना देखिए दोनों की साउंड सेम आ रही है वीक वीक तो एक वीक का मतलब है नॉट स्ट्रॉन्ग एक वीक का मतलब है सेवन डेज ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल हैल पेल पी ए एल ई पेल दोनों की साउंड सेम है एक पेल का मतलब क्या है ए बकेट और दूसरे पेल का मतलब है लाइट इन कलर और शेड शेड ठीक है इसी तरह आपको आपकी एक्सरसाइज करनी है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द दोस्ट गिवन फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज बीन डन फॉर यू कि आपके लिए किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको यू आर नॉट डैश टू स्विम इन सी एट नाइट कि आपको रात को समुद्र में स्विम करने की इसमें क्या आएगा अलाउडेड नेक्स्ट है रीड द पोयम अलाउड सो दैट ऑल ऑफ कैन एंजॉय इट देखिए दोनों की साउंड क्या है सेम है अलाउड अलाउड ठीक है ना एक अलाउड का मतलब है कि आपको परमिशन नहीं है जाने की ठीक है और दूसरे अलाउड का मतलब है कि जोर से स्पीक करो इसी तरह नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें ब्लू ब्लू देखिए दोनों की एक ब्लू नीले वाला है ब्लू कलर नीले वाला और दूसरा है ब्लू मतलब बजाना सेकेंड इसका क्वेश्चन है डू यू नो वाई द स्काई लुक्स ब्लू कि क्या आप नहीं जानते कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है नेक्स्ट है द रेफरी बिलो क्या किया ब्लू करा ब्लू करा विदल किसके साथ विसल के साथ जब मैच ओवर हो गया था इसी तरह नेक्स्ट है नंबर फोर बाय बाय मदर वेंट टू द मार्केट टू बाय समेजिटेबल्स एक बाई का मतलब है खरीदना और दूसरे भाई का मतलब है के द्वारा द रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि नेक्स्ट है सेल सेल एक सेल का मतलब है मतलब वो जो प्रिजन जो होता है ना जेल वगैरह उसको बोलते हैं और दूसरे सेल का मतलब है जो बेचना द थीफ and अरेस्टेड एंड पुट इन at एट police स्टेशन सेल मतलब मैंने आपको बताई है कि थीफ को अरेस्ट किया गया था और उसको जेल में डाला गया था नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स टू सेल हीज ओल्ड कार सो दैट ही कैन बाय ए न्यू वन कि वह अपनी पुरानी कार बेचना चाहता था ताकि वह एक नई कार खरीद सके ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल डू योर वर्क फ्रॉम द पी डी एफ थैंक यू हैव ए नाइस डे